थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब फाइन होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैट का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाया था। आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो आपको एक रॉड है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10 कूलम 20 कूलम, तो उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई सेमी सर्कुलर वायर है, अगर उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराऊंगा। जस्ट बेसिक जो बातें थी जिसको भूल नहीं सकते आप, आज के लेक्चर में भी वो काम आने वाला है। वो क्या था कि अगर मान लो आप किसी पॉइंट पे, यहाँ पे हमने मान लिया कि एक क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ एक पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और दो बातें और मैंने जो आपको बताया था कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ओके। और अगर आप कोई चार्ज निगेटिव ले लेते हो, चार्ज अगर निगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवार्ड निगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। ये सब बेसिक बातें लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस पे बेस्ट कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाए थे। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो उसका उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, अच्छे से आप समझना, धीमे धीमे करके समझेंगे। ये सारी बेसिक बातों का इस्तेमाल यहाँ आज के टॉपिक में भी होने वाला है। तो आज आप हेडिंग लगा लो जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी। हेडिंग डालिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। इसके लिए अपने को पहले कुछ बेसिक बातें करनी होगी। मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी भी आप बोल सकते हो, किसी किसी बुक में कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी भी लिखा रहता है। इसको समझने के बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। बेटा 11th का अपना रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट याद करो। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस बॉडी का हमने निकालना जब सिखाया था आपको, उस टाइम हमने कंटिन्यूअस मास डेंसिटी के बारे में आपको समझाया था। और तीन टाइप का कंटिन्यूअस मास डेंसिटी हम आपको बताए थे, लीनियर मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। कंटिन्यूअस तीन टाइप का मास डेंसिटी था, लैम्डा, सिग्मा और रो से डिनोट किए थे, याद आया। एकदम वैसी ही बात यहां पे भी होगी। अगर जो 11th का वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आज का क्लास आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, स्टिल मैं सब कुछ बेसिक से आपको समझाऊंगा, कीप वॉचिंग। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला जो होता है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो आप। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। होता क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू सिंपली चार्ज बट्टा लेंथ। चार्ज बट्टा लेंथ मीन्स क्यू बाई एल, चार्ज बाई लेंथ। अगर आप इसके एसआई यूनिट की बात करो तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, एसआई यूनिट चार्ज का हो जाएगा कूलम्ब, लेंथ का मीटर, मतलब कूलम्ब पर मीटर, पक्का बात है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो आप। मान लो ये एक रॉड है, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है।
इसको हम 20 कूलम चार्ज दे दिए और इसका लेंथ हम मान लेते हैं कि 5 मीटर है, लेंथ इसका है 5 मीटर। तो इस बॉडी के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज बट्टा लेंथ, चार्ज है इसका 20 कूलम, लेंथ है सिंपली 5 मीटर, मींस ये हो गया 4 कूलम पर मीटर। मतलब इसके हर एक मीटर जो यूनिट है, 5 मीटर है ना, तो ये अगर 1 मीटर का हमने एक सेक्शन काट लिया तो इस 1 मीटर पे कितना चार्ज है, 4 कूलम, 4 कूलम पर मीटर। हर एक एक मीटर पे इसमें कितना चार्ज बटा हुआ है, 4 कूलम चार्ज बटा हुआ है। इसी तरह से जो अपना सेकंड होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो है सरफेस, या बोल सकते हो एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होगा चार्ज बट्टा एरिया, ठीक है ना। चार्ज को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, एरिया को ए से डिनोट कर रहे हैं, चार्ज बाई एरिया। इसके एसआई यूनिट की अगर आप बात कर लो तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। थर्ड जो अपना चार्ज डेंसिटी होता है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिंपली फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज बट्टा वॉल्यूम। चार्ज को आप क्यू से डिनोट कर लो, वॉल्यूम को वी से डिनोट कर लो। इसके एसआई यूनिट की अगर आप बात करो तो चार्ज का एसआई यूनिट बोलो कूलम्ब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मतलब कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ये सारी बेसिक बातें आज का जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी, उसमें हम लोग यूज करेंगे, जिसका जरूरत पड़ेगा हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल ये तीन चार्ज, जो तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके माइंड में रखना पड़ेगा आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज बट्टा लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज बाई एरिया, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं चार्ज बट्टा वॉल्यूम। पक्का बात है, कॉपी करो जल्दी आप इसको, वीडियो को पॉज करो, छापो, हो गया। चलो अब आते हैं टॉपिक में, जो अपना टॉपिक होने वाला है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो आप, दो तीन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, इट विल बी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो हेडिंग आप लगाओगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड एट इट्स एक्सिस या एक्सियल पॉइंट, ठीक है। हेडिंग डालो आप, पहला नंबर में जो हम लोग सीखेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड ऑन इट्स एक्सिस कर देते हैं। मतलब एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। सीन समझने की कोशिश करो आप, जैसे आप मान लो कि ये हमने एक रॉड बना लिया, इसके ऊपर क्यू चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा क्यू चार्ज, और इसका लेंथ मैं मान लेता हूं एल है, इसका लेंथ है एल। एक कंटिन्यूअस बॉडी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है, उस पे क्यू चार्ज दिया गया है और इसका लेंथ है एल, ठीक है ना। इसके एक्सिस पे तो ये मिडिल से जो एक लाइन जाएगा यही इसका एक्सिस होगा, यहां पे एक पॉइंट आप मान लो पी, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि ये ए डिस्टेंस दूर है, ठीक है ना। इस पॉइंट से, इस एंड से ए डिस्टेंस दूर एक्सियल लाइन पे अपने को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम में हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपको एक स्मॉल एलिमेंट कट करना पड़ेगा, फिर उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम लोग पहले उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसको एक प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट इसका मान लो कट कर लिया, ठीक है, ये एलिमेंट हम इसका कट कर लेते हैं,
इसका कोई ना कोई अपना लेंथ होगा, तो इस एलिमेंट के लेंथ को हम dx बोल रहे हैं और इस एलिमेंट पे जो चार्ज है उसको हम dq बोल रहे हैं। ठीक है, अब समझिए dq मीन्स है क्या ये dq, तो चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट dx। अच्छा, ये जो dq है हम मान लेते हैं कि ये p पॉइंट से x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, जो स्मॉल एलिमेंट हमने कट किया है वो p पॉइंट से x डिस्टेंस दूर है। अगर मान लो कि ये एलिमेंट आप यहां पे कट करोगे तो ये p पॉइंट से a डिस्टेंस दूर होगा। एकदम से इस पॉइंट पे हम कट किए, लास्ट वाले एंड पे यहां पे कट करेंगे अगर ये dq, तो ये p पॉइंट से a डिस्टेंस दूर होगा। जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे, अगर इस एंड पे आप एलिमेंट कट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l प्लस a। मतलब इस एंड पे अगर आप एलिमेंट कट करते हो तो x की वैल्यू a के बराबर होगी, अगर ये एलिमेंट आप इस एंड पे कट करते हो तो x की वैल्यू a प्लस l के बराबर होगी। मतलब ये जो स्मॉल एलिमेंट है x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू a प्लस l तक वेरी कर रहा है और ये पूरे बॉडी को कवर कर लेगा। ठीक है, अब सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो रॉड पॉजिटिव है, एलिमेंट भी पॉजिटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE, उसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द एलिमेंट। अब ये DQ क्या है, चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। छोटा सा चार्ज है तो हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर लिए। अच्छा, जब पॉइंट चार्ज की तरह हम कंसीडर कर लिए तो इस dq की वजह से जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है dE, उसका वैल्यू क्या होगा, तो dE बराबर फॉर्मूला होता है kq बट्टा r स्क्वायर, तो k dq डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जहां पे आपने एलिमेंट कट किया है वहां से p पॉइंट का डिस्टेंस x, तो kq बट्टा r स्क्वायर, बट वो डिस्टेंस x है तो kq बाय x स्क्वायर। ये छोटे से एलिमेंट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। अब ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट होंगे, यहां पे भी कट कर सकते हो, यहां पे भी, कहीं पे भी आप स्मॉल एलिमेंट कट करो, क्योंकि हमने इस रॉड को पॉजिटिव माना है तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। मतलब सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के अगर हम जोड़ दें तो फाइनली हमको इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी पॉइंट पे हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dE, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, तो इंटीग्रेशन की लिमिट अगर आप यहां पे स्मॉल एलिमेंट कट करोगे तो यहां पे x का वैल्यू a होगा, अगर आप जैसे जैसे इस एंड पे आ जाते हो तो यहां पे x का वैल्यू l होगा। मतलब यहां पे x का वैल्यू a और यहां के बाद ये वाला a प्लस l, मतलब यहां पे x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस l। तो अपने को एक इंटीग्रेशन का लिमिट मिल गया, यहां पे लिमिट a हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा a प्लस l, इस लिमिट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a प्लस l, dE का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा है k dq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, k dq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स लगेंगे, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले तो k कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद है अपना dq, dq है क्या बेटा, तो dq है चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट dx। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी याद करो कैसे निकलेगा, समझो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू k को हमने बाहर निकाल दिया, k इंटीग्रेशन में लिमिट है a से लेके कहां तक, a प्लस l तक, अंदर बच गया आपका dq बट्टा x स्क्वायर। ठीक है, अब dq कैसे निकालेंगे, तो याद करो वहां पे dm,
जो अपना क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे एमओआई के टाइम में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में, डीएम बराबर लैम्डा डीएक्स, यहां पे डीक्यू है, डीक्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएक्स। वेरी सिंपल, दो तरह से हम इसको समझाते हैं आपको। एक तो आप हमेशा के लिए माइंड में रखना, डीक्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएक्स, पक्का बात है। और लैम्डा क्या होता है, चार्ज बटा लेंथ, लैम्डा इज चार्ज बाय लेंथ होता है। तो यहां से अगर आप dq के बारे में पता करें तो dq हो जाएगा lambda, मतलब q by length इसका l into dx, ऐसे आपको ये dq मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आप एक और दिमाग लगा सकते हो, देखो पूरे चार्ज की लंबाई कितनी है, l है, तो उस पे चार्ज कितना है, पूरे रॉड की लंबाई l है तो चार्ज q है, तो ऐसा बोलेंगे कि सेंस जब लेंथ l है तो चार्ज q है, जब लेंथ 1 होगा तो चार्ज q बाई एल होगा, और जब लेंथ इस एलिमेंट का dx है, जब लेंथ dx है तो चार्ज q बाई एल इंटू dx, एक ही बात है, जैसे भी आप निकालो यूनिटरी मेथड से या वैसे, इसको आप माइंड में रखिए। तो अभी तक हम लोगों ने dq का वैल्यू तो निकाल लिया है, अब इस dq के वैल्यू को हम ऊपर पुट करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू K हो गया अपना, फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू A प्लस L, अंदर लिखा हुआ है dQ, तो dQ लैम्डा dx लिख दो आप, लैम्डा जो कि कांस्टेंट है, या Q बाई L जो मन करे लिखो, Q बाई L dx, और ये नीचे में देखो x स्क्वायर, ये तो dQ का वैल्यू हुआ ना, लैम्डा dx मतलब Q बाई L इंटू dx, नीचे में एक x स्क्वायर है तो इंटू 1 बाई x स्क्वायर, Q बाई L को बाहर निकाल लो आप, तो E इज इक्वल टू K पहले से बाहर है, Q बाई L बाहर, अंदर क्या बच गया देखो, 1 बाई x स्क्वायर इंटू dx, मतलब x का पावर माइनस 2 इंटू dx, लिमिट है हमारा A टू A प्लस L, चलेगा ओके। E इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाई L, x का पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, याद करो x का पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो इंटीग्रेशन x का पावर माइनस 2 dx मतलब x का पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 मींस x का पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 मींस माइनस 1 बाय x, ठीक है। तो यहां पे x का पावर माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 बाय x, और लिमिट है a टू a प्लस l, माइनस साइन को सिंपली आप बाहर निकाल लो, तो E इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई एल, अंदर बच गया 1 बाई एक्स, लिमिट है ए टू ए प्लस एल। अब लिमिट लगाना आप जानते हो, वेरिएबल की जगह पहले अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, फिर वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट, इतना जल्दी से आप कॉपी करो, फिर आगे समझाते हैं। आई होप हो गया, वहां तक कंप्लीट है, अब आगे बस इंटीग्रेशन करना है और कुछ है नहीं, आप देख लो आगे, इतने में काम हो जाएगा अपना। वहां के बाद आप समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, बाहर निकला हुआ है माइनस के क्यू बाई एल, माइनस के क्यू बाई एल, अब लिमिट लगा रहे हैं, देख लो आप इंटीग्रेशन में वेरिएबल x है, अपर लिमिट a प्लस एल, तो ये अपर लिमिट a प्लस एल, फिर माइनस साइन, फिर 1 बाई x की जगह पे a, ठीक है। अब a प्लस एल और a का आप चाहो तो एलसीएम ले लो, माइनस के क्यू बाई एल इंटू, एलसीएम क्या हो जाएगा, a इंटू a प्लस एल, a प्लस एल a प्लस एल कैंसिल, ऊपर a माइनस, a से a कैंसिल, a प्लस एल, ठीक है। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो E इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई एल इंटू a माइनस a माइनस प्लस माइनस l डिवाइडेड बाई a इंटू a प्लस l, ठीक है। अब यहां पे हम a कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया के क्यू डिवाइडेड बाय, देखो ये माइनस और ये माइनस, प्लस एल से एल कैंसिल, बस यही बच गया, ऊपर के क्यू बच गया, ए इंटू ए प्लस
एल चलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ चार्ज रॉड की वजह से एक्सियल पॉइंट पे। है कुछ नहीं, बस एलिमेंट कट करना है आपको एक सुटेबल लिमिट के साथ, ताकि वो एलिमेंट आपके पूरे कंटिन्यूअस बॉडी को कवर करे। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेके सॉल्व करना है, ठीक है। जल्दी से आप इसको कॉपी करो। हो गया। ऊपर ध्यान देना ये क्यू लिखा हुआ है, के क्यू है जैसा मैंने बोला था। थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ए जैसा लग रहा है, ऊपर के क्यू, नीचे में ए है। ए इज दिस डिस्टेंस एंड क्यू इज चार्ज। ओके हो गया। ओके अगला जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, साफ कर दूं मैं। ओके नेक्स्ट जो अपना होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सेमी सर्किल एट द सेंटर। मतलब कोई भी एक सेमी सर्कुलर वायर है, मान लो आप उसके ऊपर चार्ज दे दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसकी वजह से आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है। तब आप कैसे करोगे उसको समझो। सेकेंड नंबर में हेडिंग डाल ले आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सेमी सर्किल। सेमी सर्किल और वायर भी लिख सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेमी सर्किल ऑन इट्स सेंटर, सेंटर के ऊपर। मस्त मजा आने वाला है, अच्छे से समझना। आप मान लेते हैं हम ये एक हमारा सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। अच्छा नहीं बना क्या, ट्राई करता हूं बनाने का। चलो मान लो यार चलेगा। ये एक हमारा चार्ज्ड सेमी सर्कुलर वायर है, ये इसका हमने सेंटर मान लिया, ये है सेंटर को, ये इसका रेडियस दे रखा है, कंसिडर कर लो आर है इसका रेडियस, इसके ऊपर चार्ज दे दिया है क्यू, क्यू चार्ज इज गिवन। अब इसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जो इंफॉर्मेशन दिया है वो समझो। क्यू क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस, ये आर हमारा रेडियस है, और ये क्यू चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके चलो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब यहां पे एलिमेंट हम कैसे कट करेंगे, तो जो बच्चों ने मेरा 11th का क्लास किया है उनको आइडिया मिल रहा होगा, बट फिर भी न्यूकमर्स के लिए भी हम ऐसा करते हैं कि यहां से एक एंगल थीटा पे छोटा सा एक एलिमेंट यहां हमने कट कर लिया, ये एलिमेंट, और ये स्मॉल सी एंगल है डी थीटा। ये जो एलिमेंट हम कट किए हैं इसका लेंथ हम मान लेते हैं डीएल, इसका लेंथ है डीएल, और इस पे जो चार्ज है वो है डी क्यू। जो स्मॉल एलिमेंट हम इस सेमी सर्कल का कट किए हैं उसका लंबाई लेंथ है डीएल, और डीएल लेंथ पे चार्ज कितना है, डी क्यू है। अब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा होगा डीई। अब बेटा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा दैट विल बी DE cos थीटा, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा ये होगा आपका DE sin थीटा, ठीक है।
अब आप थोड़ा सोचो, आपने एलिमेंट यहां पे कट किया है, अगर आप जस्ट इसके सिमेट्रिकल अपोजिट साइड में यहां पे एलिमेंट कट करते तो कैसे बनता? समझो, ये ऐसा सेमी सर्कुलर वायर है, ये इसका सेंटर है। मान लो कि आपने यहां पे ये एलिमेंट कट कर लिया डीएल, ठीक है। अब इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता, ये डीई का डायरेक्शन होता इस एंगल पे, ये है डी थीटा, ये हो जाता थीटा। तो जब ये थीटा होता तो ये भी थीटा होता, डी का ये कंपोनेंट होता इधर वाला डी कॉस थीटा, और इस तरफ वाला कंपोनेंट होता डी साइन थीटा। तो देख लो आप कि इसके अपोजिट में, सिमेट्रिकल अपोजिट में जो एलिमेंट हमने यहां पे कट किया डीएल, उसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, इसका डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है। मीन्स हर अपोजिट सिमेट्रिकल एलिमेंट के लिए डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और सबके लिए डी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो सबके लिए डी साइन थीटा एलिमेंट एडअप होगा और वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। मीन्स यहां पे जो डी कॉस थीटा है वो कैंसिल होगा, मैं ये लिख दे रहा हूं, डी कॉस थीटा विल बी कैंसिल्ड। बिकॉज क्यों कैंसिल होगा भाई? तो बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट, सिमेट्रिकल जो अपोजिट एलिमेंट कट होगा उसके लिए हमारा डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? डी साइन थीटा की वजह से मिलेगा, ठीक है। इतना बात क्लियरली समझ में आया? मीन्स अब आप देखो एक और बात, अगर इस एलिमेंट को आप धीमे धीमे करके यहां पे लेके आ जाओ, यहां पे अगर आप इस एलिमेंट को कट करते हैं तो इस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती। मीन्स यहां पे थीटा की वैल्यू जीरो, और जैसे जैसे ये एलिमेंट ऊपर जाएगा थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, और जब ये एलिमेंट बिल्कुल इस एंड पे आएगा तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। मीन्स ये जो डीएल है अगर इस एंड से ऐसा इस एंड तक आता है, पूरे कंटिन्यूअस बॉडी को कवर करता है, तब थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है कहां से कहां तक? जीरो से लेके 180 डिग्री तक। मीन्स अपने को इंटीग्रेशन का एक लिमिट मिल गया कि हमको इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसको 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। पक्का बात है? जो भी यहां तक है आप लिख लो, बोर्ड में स्पेस कम है इस लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूं। मीन्स आपको अपना कॉन्सेप्ट मिल गया, अब उसको समझदारी से आपको यूज कर लेना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी साइन थीटा, और इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 to 180 डिग्री, पाई भी लिख सकते हो आप, 0 to पाई। अब डी का वैल्यू कितना होगा? तो ये देखिए, यहां तो ये रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस, ये है आपका डी क्यू, तो डीई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वेयर, मीन्स के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर रेडियस के बराबर, डी का वैल्यू के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 180 डिग्री, डी का वैल्यू हो गया हमारा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। अब यहां पे आप देख लो, ये डी क्यू है, ये आर स्क्वेयर है, ये साइन थीटा है। धीमे धीमे करके आगे समझिए आप। सबसे पहले इस डी क्यू के बारे में आप सोचो कि यहां पे डी क्यू क्या होगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने बताया था आपको, लैम्डा डी एक्स, बट ये डीएल माना गया है तो ये हो जाएगा लैम्डा डी एल। पक्का बात है? तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू चार्ज बट्टा लेंथ, तो चार्ज है यहां पे टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, बेटा रेडियस आर है, ये सेमी सर्किल है, 2πr/2, 2 से 2 कट गया, मीन्स पाई आर, और ये लिखा हुआ है डीएल। अब थोड़ा डीएल के बारे में आप सोचो, इस स्मॉल एलिमेंट को मैं इधर साइड में आपको दिखा रहा हूं, ये कुछ ऐसा है स्मॉल एलिमेंट कट किया गया है, ठीक है। ये एंगल है डी थीटा, ये जो लेंथ है आपका
ये लेंथ है आपका dl, रेडियस है r. तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू l बाई r, मीन्स d थीटा इज इक्वल टू dl बटा r. तो देयरफॉर dl बराबर r d थीटा. dl का वैल्यू क्या मिल गया, r d थीटा मिल गया. अब ये सारा वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 180, इंटीग्रेशन 0 टू 180 के डी क्यू. के डी क्यू का वैल्यू, तो यहां देखो डी क्यू का वैल्यू क्यू बट्टा पाई आर, और फिर डीएल, यहां जो डीएल है उसका वैल्यू आर इंटू डी थीटा. तो ये हो गया के डी क्यू. k बटा आर स्क्वायर पहले मैं लिख देता हूं. देखो k बटा आर स्क्वायर हमने लिख दिया, हमको चाहिए डी क्यू. तो डी क्यू का वैल्यू हम यहां से पुट कर रहे हैं q बाई पाई आर, और फिर dl, उसके बाद यहां लिखा हुआ है साइन थीटा, वो भी हम लिख देते हैं साइन थीटा, और आपने dl का वैल्यू यहां निकाल के रखा है r d थीटा. तो e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 180 डिग्री k बट्टा आर स्क्वेयर q बट्टा पाई आर, dl का वैल्यू, dl का वैल्यू r d थीटा. तो ये हो गया r d थीटा, और बाद में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा. ठीक है, यहां एक r उड़ा दो आप सिंपली, ये r से r उड़ गया. बाहर क्या निकलेगा देखो आप, k q डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वेयर बाहर निकल जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा है 0 टू 180 डिग्री साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करो इसको जल्दी से आप फास्ट. हो गया. अब आगे यहां पे एक स्टेप का स्पेस है, बढ़ा लेता हूं. E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है 0 टू 180 डिग्री. माइनस साइन हम बाहर निकाल लेते हैं. तो E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया कॉस थीटा. तो कॉस थीटा की जगह पे 180, कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री. बेटा कॉस 180 का वैल्यू माइनस 1, और माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1. माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, मीन्स E इज इक्वल टू 2 के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया 2 के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, छापा जाए फास्ट. हो गया, चलो समझो एक बार और इसको समझते हैं. अपने को क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सेमी सर्कल ऑन इट्स एक्सिस. तो एक सेमी सर्कुलर वायर हम बना लिए, उसका ऑन इट्स सेंटर, ये सेंटर ओ है. अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमने क्या किया कि यहां से इस लाइन से थीटा एंगल ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे कट कर लिए. इस एलिमेंट का लंबाई हमने ले लिया डीएल, ओके, और इस डीएल पे चार्ज कितना है डी क्यू है. अब इसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डी का डायरेक्शन, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल. अब डी का दो कंपोनेंट, इस तरफ डी कॉस थीटा और इस तरफ डी साइन थीटा.
आप सोचो बेटा कि ये जो बॉडी है अगर आप बीच से ऐसे फोल्ड कर देते हो तो इसके अपोजिट में कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा। अब इसके अपोजिट में जो एलिमेंट मिलेगा उसके लिए डीई का ये डायरेक्शन होगा, इस तरफ डीई कॉस थीटा और नीचे होगा डीई साइन थीटा। तो इधर वाला डीई कॉस थीटा और इधर वाला डीई कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मीन्स हर अपोजिट एलिमेंट का डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? तो जब ये एलिमेंट आप यहां पे कट करोगे तो थीटा का वैल्यू जीरो होगा। देखो ये एलिमेंट अभी यहां है, फिर नीचे यहां आएगा, जैसे ही ये एलिमेंट इसमें सट जाएगा लाइन में, कोई एंगल नहीं बनेगा, तो थीटा का वैल्यू जीरो। और जैसे जैसे आप यहां से ऊपर जाओगे वैसे थीटा बढ़ेगा और इस एंड पे आगे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। मीन्स हमको इंटीग्रेशन का लिमिट मिल गया 0 to 180 डिग्री, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी साइन थीटा। और डी क्या होगा? तो यहां पे चार्ज है डी क्यू, ये डिस्टेंस है आर, तो डी बराबर के क्यू बट्टा आर स्क्वेयर। ये डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट किए के क्यू बटा आर स्क्वायर, बाद में लिखा हुआ है साइन थीटा। अब के डी क्यू, डी क्यू क्या होगा? तो डी क्यू के लिए हमने आपको बताया है डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स नहीं है, एलिमेंट का लेंथ हम लोगों ने डीएल लिया है, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल। लैम्डा क्या होता है भाई? चार्ज बट्टा लेंथ। सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का लेंथ क्या होगा? पाई इंटू आर इंटू डीएल। अब डीएल कैसे निकलेगा? डीएल देखो आप, तो इस एलिमेंट को यहां जूम करके मैंने दिखाया, ये देखो यही एलिमेंट जो है कट हुआ है, यहां पे मैंने दिखाया ये है सेंटर ओ, ये जो लेंथ है ये डीएल है, ये एंगल डी थीटा है, ये आर है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, मीन्स डी थीटा इज इक्वल टू डीएल बाई आर, तो डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। डीएल का और डी क्यू का वैल्यू हम लोगों ने यहां पुट किया, ई इज इक्वल टू, देखो आप यहां पे ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 180 डिग्री, के की जगह पे के, नीचे ये आर स्क्वेयर, यहां पे आर स्क्वेयर, डी क्यू की जगह पे क्यू बट्टा पाई आर, क्यू बट्टा पाई आर इंटू डीएल इंटू डीएल, और फिर यहां लिखा हुआ था ये साइन थीटा, तो यहां हमने लिखा साइन थीटा। उसके बाद डीएल का वैल्यू, तो डीएल का वैल्यू आर इंटू डी थीटा, डीएल का वैल्यू आर इंटू डी थीटा, एक आर उड़ गया। बचा क्या भाई? तो ऊपर बचा के क्यू, नीचे बचा पाई आर स्क्वायर, के क्यू बट्टा पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर ये साइन थीटा और डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट है अपने 0 to 180 डिग्री, माइनस साइन बाहर कर लिए, कॉस थीटा बचा, थीटा की जगह 180, कॉस 180 माइनस कॉस 0, कॉस 180 का वैल्यू -1 -1, -1 -1 -2, बाहर में -+2, यहां पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, के क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ना मान लो कि क्वार्टर सर्किल हो, क्वाड हो, वो भी निकल सकता है, इसको कॉपी करो आप, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, फिर भी देखता हूं मैं कितने देर का हुआ है। ओके फास्ट, हो गया। चलो एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्वार्टर सर्किल के लिए, साफ कर देता हूं मैं, आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ऐसा ही हो भी जाएगा, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आने वाला है। वो क्या आने वाला है अभी आपको समझ में आएगा।
और समझाते हैं। थर्ड नंबर में आप हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वाटर सर्किल या सर्कुलर वायर वायर, ठीक है, बना लेते हैं। ये है आपका एलिमेंट, ठीक है, ये क्वार्टर है, मीन्स ये एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। इन सब पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और आर इसका हम मान लेते हैं रेडियस। ओके, चलो इस पे हम चार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्यू चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे भी आप वैसे ही एक एलिमेंट कट कर लो, थीटा एंगल पे हम एक एलिमेंट कट कर लिए, डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका लेंथ हम मान लेते हैं डीएल, और इस पे चार्ज है हमारा डी क्यू, ठीक है। अब आप सोचो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डी का ये डायरेक्शन होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी बेटा थीटा होगा, ओके, और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो होगा डीई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो होगा डी साइन थीटा। अब यहां पे डी कॉस थीटा कैंसिल तो होगा नहीं, बिकॉज ये क्वार्टर सर्किल है, सेमी सर्किल रहता है तब इस एलिमेंट के अपोजिट में कोई एलिमेंट होता है, यहां तो इसके अपोजिट में कोई एलिमेंट है नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां एग्जिस्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां रहेगा, मीन्स इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो ये आप कहीं ना कहीं आप देख लो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हम इसको बोलेंगे डीई एक्स, डीई एक्स बोले तो डी कॉस थीटा, ये y एक्सिस की तरफ है डीई वाई, इसको हम बोलेंगे डीई साइन थीटा। अब इन दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा कितना, रूट अंडर डीई कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस डी साइन थीटा का स्क्वायर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों निकालना पड़ेगा, फिर आपको वेक्टर की तरह सोचना पड़ेगा, धीमे धीमे करके आगे बढ़ते हैं, मस्त समझ में आएगा, ठीक है। इतना राइट कर लिए, मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं साफ कर रहा हूं, हो गया इतना। चलो एक एक करके हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, सबसे पहले हम डी कॉस थीटा का बात करते हैं, डी कॉस थीटा, डीई एक्स से डिनोट किए थे हम इसको, मीन्स डी कॉस थीटा, तो डी का वैल्यू चार्ज कितना है यहां पे, डी क्यू है, डिस्टेंस है कितना, ये रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा डी क्यू, हाँ के क्यू, के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, ये डीई एक्स का वैल्यू हो गया। अब अपने को चाहिए ई एक्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीई एक्स को, लिमिट क्या होगा, देखो ये एलिमेंट जब यहां पे आएगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री, ये बढ़ते बढ़ते यहां पे आएगा तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई 0 to 90, पक्का बात है। तो देयरफॉर ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ई एक्स डी एक्स का वैल्यू रख दे भाई, इंटीग्रेशन 0 to 90 DE का वैल्यू K DQ by R square into cos theta, K DQ by R square into cos theta। अब यहां पे DQ चाहिए, फिर से दिमाग लगाओ, DQ DQ is equal to lambda DL, DQ is equal to lambda DL, और lambda यहां पे क्या होगा, तो lambda क्या होगा समझो, चार्ज है पूरा Q,
और इसका लेंथ पाई आर बट्टा टू, लेंथ कितना पाई आर बाई टू, ये टू ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा टू क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर। लैम्डा ही रहने देते हैं, कॉन्स्टेंट होता है ऐसे भी बाहर निकलता है इतना सारा टर्म, तो लैम्डा ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ई एक्स की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन जीरो टू नाइनटी के डी क्यू का वैल्यू लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा। अब आप बोलो डीएल क्या होगा, दिमाग लगाओ, यही है स्मॉल एलिमेंट डीएल, तो डीएल बराबर आर डी थीटा लिख दूं पिछले कॉन्सेप्ट की तरह। तो देयरफॉर यहां पे डीएल बराबर आर डी थीटा, अरे यार थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, उसी से डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो ईएक्स की वैल्यू कितनी हो गई इंटीग्रेशन जीरो टू नाइनटी के लैम्डा डीएल की जगह पे आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर कॉस थीटा। एक आर उड़ा दे, चलो एक आर उड़ा देते हैं, आगे क्या बचा अपने को, तो ईएक्स इज इक्वल टू यहां पे देखो के लैम्डा बाई आर बाहर आ गया, के लैम्डा बाई आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा जीरो टू नाइनटी इंटीग्रेशन जीरो टू नाइनटी के लैम्डा बाई आर बाहर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। तो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा लिमिट जीरो टू नाइनटी, ठीक है। तो ई एक्स इज इक्वल टू k लैम्डा बाई आर, लिमिट लगाओ साइन 90 माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, 1 माइनस 0 1, तो ex की वैल्यू कितनी आ गई k लैम्डा बाई आर, पक्का बात है। लैम्डा का वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, ex इज इक्वल टू k बाई आर और लैम्डा का वैल्यू 2 क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर, तो ex का वैल्यू हो गया 2k क्यू बट्टा पाई आर स्क्वायर। लैम्डा के टर्म में लिखना थोड़ा आसान है, ये माइंड में रखें, ठीक है। ये सिर्फ हम लोगों ने इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है ex का हम लोग वैल्यू निकाले, अब अपने को ना ey का वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर वेक्टर सम के अकॉर्डिंग इनको जोड़ना पड़ेगा। यहां तक लिखो फास्ट, हो गया ओके अब हम आ जाते हैं ई की तरफ। ये ई एक्स बस हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे फिर रिजल्टेंट निकालेंगे, पक्का बात है ओके ex का जो वैल्यू आया है साइड पे मैं कहीं लिख देता हूं इधर, ex का वैल्यू आया है k लैम्डा बाई आर, ठीक है k लैम्डा बाई आर। ey निकालते हैं, ey कैसे निकालेंगे, ey इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन de साइन थीटा लिमिट क्या है 0 टू 90 डिग्री। ey बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 90 डी का वैल्यू बोलो डी के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पे डी क्यू का वैल्यू, तो डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल चलेगा, लैम्डा का वैल्यू आपको पता है यहां पे है, डीएल का वैल्यू चाहिए वो भी मैं निकाल दूंगा। तो फिलहाल ey इज इक्वल टू 0 टू 90 k बाई आर स्क्वायर, k बाई आर स्क्वायर dq, dq की जगह पे लैम्डा dl और क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। dl का वैल्यू बोलो, dl इज इक्वल टू r d थीटा, यहाँ पे dl का वैल्यू पुट करो, ey बराबर 0 टू 90 डिग्री k बट्टा आर स्क्वायर, लैम्डा ऐसे ही छोड़ दे भाई, डीएल का वैल्यू आर डी थीटा इंटू साइन थीटा।
एक आर यहाँ पे आप कैंसिल कर लो, तो ई वाई का वैल्यू मिला 0 to 90 के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा। के लैम्डा बाई आर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 to 90 इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। ई वाई बराबर के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 to 90 डिग्री। ओके, ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, माइनस साइन बाहर निकाल लिए, साइन 90 का वैल्यू 0, तो मिनट लगा के दिखा दूं, कॉस 90 माइनस कॉस 0 डिग्री। ई वाई बराबर माइनस के लैम्डा बाई आर, कॉस 90 का वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, ये माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर। जबरदस्त, फिर से आप देखो, ई एक्स की वैल्यू भी थी के लैम्डा बाई आर, ई वाई का वैल्यू भी के लैम्डा बाई आर, मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम है। अब इस तरफ और इस तरफ ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिल्कुल बीच में होगा, मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से मिडिल में होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, जल्दी से कॉपी करें आप, 2 मिनट में वहां तक पहुंचाऊंगा मैं आपको। कॉन्सेप्ट है बस, माइंड में सेट करो आप, एकदम केयरफुली डिराइव करो, मेरे साथ साथ डिराइव करो, जहां पे प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे आके फिर से देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है, एकदम बेबी केयर देके मैं आपको समझा रहा हूं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है भाई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रूट अंडर, देखो दोनों के बीच में 90 का एंगल है ना, तो सिंपली हो जाएगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रूट अंडर, दोनों सेम सेम है, के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर, मीन्स ई इज इक्वल टू रूट अंडर 2 के लैम्डा आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो देयरफॉर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के लैम्डा बाई आर रूट 2, मीन्स रूट 2 इंटू के लैम्डा बाई आर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन में क्या दे सकता है, तो लैम्डा का वैल्यू यहां पे पुट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू रूट 2 के लैम्डा की जगह पे 2 क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर, और एक और नीचे में आपका है आर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा की जगह 2 क्यू बाई पाई आर, 2 क्यू बाई पाई आर नीचे में एक आर था, तो आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो आप 2√2 के क्यू बट्टा पाई आर स्क्वायर। ये रिजल्ट ज्यादा इजी है, आसानी से आप माइंड में रख सकते हो। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, वीडियो इज बिकमिंग वेरी लार्ज, कोई नहीं, आप अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ डिराइव करने की प्रैक्टिस करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट बनेगा। बहुत जल्दी हम आपको अगला लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बी सेफ एट होम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।